गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी ने संचार के साधन चैप्टर को पढ़ा था। संचार के साधन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि संचार के साधन किसे कहते हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और जिन साधनों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संचार के साधन, यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी एक दूसरे की जो बातचीत होती है वो जिस साधन के द्वारा की जाती है, भाई जो सामने हैं लोग उनके साथ तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पर जो लोग सामने नहीं हैं, हमसे दूर बैठे हुए हैं, उनको अगर हमें कोई संदेश देना है तो वो हम किस जिस साधन के जरिए देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम किस किस के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, आपने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, किस किस के द्वारा? जैसे पहले के टाइम में लेटर, तार, कुरियर वगैरह से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, डाक के जरिए। दूसरा टेलीफोन के द्वारा, नेट के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा हम देश विदेश की खबरें जान पाते हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी क्या हैं? संचार के साधन हैं जिनसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। संदेशों का आदान प्रदान ही कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? डाकिया कहलाता है, संदेशवाहक कहलाता है, संचार कहलाता है या पत्रवाहक कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार मतलब अपना संदेश दूसरे तक पहुँचाना और दूसरे का संदेश अपने स्वयं लेना, तो ये क्या कहलाता है? संचार, यानी कम्युनिकेशन। डाकिया तो साधन हुआ, संदेशवाहक हुआ, जो हमारे संदेश को दूसरे तक लेके जाएगा। पत्रवाहक भी कौन हुआ? जो हमारे संदेश को, पत्र को लेकर दूसरे तक जाएगा। बट संचार का मतलब कम्युनिकेशन, की हमारी बातचीत एक दूसरे तक पहुंच रही है या हमारा कोई संदेश दूसरे तक पहुँच रहा है, तो ये क्या है? संचार। तो संचार पर टिक करेंगे। पत्र संदेश पहुंचाने का सस्ता, और पत्र जो है वो संदेश पहुंचाने का सस्ता और कैसा साधन है? मुश्किल साधन है? मुश्किल तो नहीं है, ये तो आसानी से आप पत्र लिख के लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है और वो पहुंचने वाले के पास पहुंच जाता है। तेज है, बट तेज नहीं है ये पत्र संदेश पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि इसको पहुंचने में टाइम लग जाता है। इससे आसान रास्ता तो क्या है, इससे ज़्यादा आसान क्या है? टेलीफोन। जिस संदेश को आप टेलीफोन में मिनटों में पहुंचा सकते हैं, पत्र के द्वारा उसे पहुंचने में समय ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी ये कैसा है संदेश पहुंचाने का? सस्ता और आसान आसान साधन है। इसके लिए आपको कोई मोबाइल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पत्र पे आप लिख के पता और पहुंचा सकते हैं। पर आज के टाइम में ये थोड़ा मुश्किल है, लोगों को तुरंत पहुंचाना होता है तो सब मोबाइल के जरिए अपनी बात पहुंचा देते हैं। दूर संचार भी संचार का साधन है। दूर संचार भी संचार का कैसा साधन है? लोकप्रिय साधन है, अनुकृष्ट। अनुकृष्ट मतलब अच्छा, दिशाविहीन या आसान। दिशाविहीन मतलब जिसकी कोई दिशा ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता। और दूर संचार भी संचार का साधन है, आसान या लोकप्रिय या अनुकृष्ट, क्या है? लोकप्रिय साधन है। दूरदर्शन भी संचार का लोकप्रिय, यानी आज के टाइम में बहुत पॉपुलर साधन है। दूरसंचार किसे कहते हैं? दूरसंचार यानी टेलीफोन वगैरह, तो वो लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे तीव्र संचार का साधन है। सबसे तेज संचार का साधन क्या है? मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट या रेडियो। तो क्या चीज़ है? इंटरनेट। इंटरनेट सबसे ज़्यादा तीव्र संचार का साधन है। नेट के जरिए हम बहुत सी जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ वगैरह हैं, इनको भी, फ़ोटोज़ को भी, सब चीज़ भेजी जा सकती है। जबकि मोबाइल में केवल हम बात ही कर सकते हैं, परंतु यदि हमें फ़ोटोज़, फोटोकॉपी इत्यादि भेजनी है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? इंटरनेट की। तो इंटरनेट संसार का सबसे तीव्र संचार का साधन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको फिल करने हैं।
इंटरनेट संचार का साधन है। इंटरनेट संचार का कैसा साधन है? सबसे तीव्र, अभी आपने पढ़ा था ऊपर, सबसे तीव्र साधन है। नेक्स्ट सेंटेंस, संदेशों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान, एक दूसरे को संदेश देना और संदेश पाना क्या है? संचार कहलाता है। संचार के साधन देश के आर्थिक विकास में सहयोग देते हैं। संचार के साधन से क्या होता है? देश के आर्थिक विकास में सहयोग मिलता है। महत्वपूर्ण संदेश रेडियो द्वारा प्रसारित करा दिए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो किसके द्वारा? रेडियो द्वारा प्रसारित करा दी जाती है। पहले के टाइम में रेडियो भी बहुत पॉपुलर था। जब टीवी वगैरह कम होते थे तो क्या होता था, जो खास न्यूज़ होती थी उसको रेडियो द्वारा प्रसारित करा दी जाती थी, तो पूरे देशवासियों को इसकी सूचना मिल जाती थी। अब के टाइम में क्या है, टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए लोगों को सारी न्यूज़ मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्या है, हमारे संबंधी दूर दूर रहते हैं। हमारे संबंधी क्या दूर दूर रहते हैं? सही है, हमारे संबंधी, जरूरी थोड़ी है कि सब संबंधी हमारे पास ही रहते हो, दूर दूर भी रहते हैं, तो ये हाँ। रेडियो संचार का साधन है, रेडियो संचार का साधन है ना, सही बात है ये भी हाँ। टेलीफोन द्वारा केवल देश में ही संदेश भेजा जाता है। टेलीफोन करके क्या हम केवल अपने देश में ही संदेश भेज सकते हैं, विदेशों में नहीं भेज सकते? गलत बात, टेलीफोन से तो हम विदेशों में भी संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी सूचना पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। संचार के साधन देश के आर्थिक विकास में सहयोगी हैं। संचार के साधन जो होते हैं वो देश के आर्थिक विकास में भी सहयोगी होते हैं ना, तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। इसके अलावा नीचे ये दिया हुआ है, ये आप अपने आप भर सकते हैं। इसमें आपके घर में कितने मोबाइल हैं, किस किस कंपनी के हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, किस किस कंपनी के कितने मोबाइल हैं। आपके घर में यदि इंटरनेट है तो आप बताइए कि कौन सा कनेक्शन आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का कनेक्शन प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए अब पार्ट 10 के क्वेश्चन आंसर करिए। संदेश भेजने का कार्य किन साधनों से लिया जाता है? जो संदेश भेजने का काम होता है वो किस किन साधनों से हम लेते हैं? संदेश भेजने का कार्य संचार के साधनों से लिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, संचार के साधन। तो संचार के साधनों से लिया जाता है संदेश भेजने का कार्य। संदेश पहुंचाने वाला सबसे सुगम साधन कौन सा है? आज के समय में संदेश पहुंचाने का सबसे सुगम साधन टेलीफोन है। आज के टाइम में संदेश पहुंचाने का सबसे सुगम साधन कौन सा है? आज के समय में संदेश पहुंचाने का सबसे सुगम साधन टेलीफोन है, क्योंकि टेलीफोन से हम तुरंत अपना संदेश दूसरों को पहुंचा सकते हैं, जबकि पहले के टाइम में पत्र संदेश पहुंचाने का सबसे सुगम साधन होता था, जिसमें संदेश लिखकर भेज दिया जाता था, परंतु उसे पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। इससे पहले हम टेलीफोन द्वारा अपना संदेश आसानी से पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन का क्या लाभ है? टेलीफोन का क्या लाभ है? टेलीफोन द्वारा हम सीधी बात करके देश विदेश तक संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन के द्वारा क्या है, हम सीधी बात करके देश विदेश तक, अपने देश में भी और विदेशों में भी संदेश भेज सकते हैं और उनसे संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं, तो टेलीफोन का ये लाभ है। तार किस प्रकार दिया जाता है? तार किस प्रकार दिया जाता है? आप लोग नहीं जानते होंगे कि तार क्या होता है। पहले के टाइम में जैसे कि लेटर भेजा जाता था, इसी तरीके से तार होता था। तार जो है वो कम समय में जल्दी पहुंच जाता था। इसको जो कोई भी जरूरी सूचना देनी होती थी उसे कम शब्दों में लिखकर और उसे डाक के द्वारा भेज दिया जाता था। तार किस प्रकार दिया? तार डाक द्वारा भेजा जाता है। जरूरी सूचना कम शब्दों में लिखकर डाक द्वारा भेज दी जाती है। केवल जरूरी सूचना ही 3-4 लाइनों में लिखकर उसे भेज दी जाती है डाक द्वारा। उसके लिए अलग से स्टैंप लगती थी, जिसकी वजह से उसे जल्दी पहुंचा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट द्वारा क्या क्या भेजा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा क्या क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट द्वारा संबंधियों को फोटो, फोटोकॉपी या कोई भी सॉफ्ट कॉपी सेकेंडों में भेजी जा सकती है। इंटरनेट से हम क्या क्या भेज सकते हैं? किसी की भी फोटो भेजनी है, फोटोकॉपी भेजनी है, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भेजनी है, या कोई भी सॉफ्ट कॉपी सेकेंडों में भेज सकते हैं। आज के टाइम में है, कोई भी चीज़ खरीदनी है हमें, उसका सैंपल हमें किसी को भेजना है, किसी से कोई चीज़ पसंद करानी है, जो बिजनेसमैन है वो भी अपने सैंपल्स भेज सकते हैं, ऑर्डर डिलीवरी के लिए, ये सारी चीज़ें वो अपने फ़ोन द्वारा इंटरनेट द्वारा किया जा सकता है। तो उससे सेकंडों में ही हमारा काम हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज कॉपी पर करिएगा साफ साफ, ओके।